हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर 6। अवर चैप्टर नेम इज चेंजेस अराउंड अस। तो इस चैप्टर का मतलब क्या है मैं आपको एक ब्रीफली बता दूं। चेंजेस अराउंड अस दैट मींस जो आपके सराउंडिंग में आपके चारों तरफ जो आपको चेंजेस दिखते हैं वो होते हैं चेंजेस। मतलब आपने डिफरेंट डिफरेंट डे टू डे लाइफ में देखे होंगे हमारे कैसे चेंजेस होते हैं, चीज़ों को हम कैसे मतलब उनकी शेप साइज में चेंज करते हुए देखते हैं। ठीक है, तो आपकी एनसीईआरटी बुक में भी आप एक चैप्टर रीड करेंगे और ये हमारी एक पीडीएफ पीपीटी स्लाइड्स है, इनके थ्रू हम चैप्टर को कवर अप कर रहे हैं। आपको इस एनसीईआरटी के चैप्टर में सबसे पहले एक पैराग्राफ लिखा है कि व्हाट फन इफ यू हैव सडनली गेट सम मैजिकल पावर टू चेंज एनीथिंग अराउंड यू। अगर आपके पास कोई मैजिकल पावर आ जाए, सपोज आप सारे स्टूडेंट जानते हैं, आप सोचते हैं कि काश ऐसा होता, तो ऐसी कोई मैजिकल पावर आ जाए जिससे आपकी सारे जो चेंजेस जो आप चाहते हैं वो हो जाए, तो कैसा होगा सोचिए। बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज़ समझने में, ठीक है, और सोचने में। तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर विथ, ठीक है, इंट्रोडक्शन है। व्हाट इज चेंज, चेंज एक्चुअली होता क्या है। लेट अस नाउ ट्राई एंड डिफाइन चेंज फॉर पर्पस ऑफ साइंस। We can define it as an act by which thing former become different than its previous self। मतलब जो चीज़ पहले थी उसको हमने किसी मतलब उसके आकार शेप साइज में चेंज कर दिया, तो वो कैसी होगी दोबारा। प्रीवियस और जो उसका जो रीसेंट जो उसका शेप है वो कैसा होगा। फॉर इंस्टेंट व्हेन आइस मेल्ट, आपने देखा है कि जब आइस मेल्ट हो जाती है तो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, और इट चेंज इनटू वाटर, देयरफॉर इट टर्न्स इनटू फॉर्म ऑफ सॉलिड टू लिक्विड। जो सॉलिड फॉर्म में आइस है वो लिक्विड में चेंज हो जाती है, एक ये है चेंज, ठीक है। और आपने देखा होगा कि जर्नी समर्स में हमारी पत्तियां सूख जाती हैं, विंटर्स में वो ग्रीन हो जाती हैं, तो इन्वायरमेंट में भी क्या चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। क्रॉप्स आपने अभी आज दूसरी लगाई है तो नेक्स्ट सीजन में आप दूसरी ग्रो करेंगे क्रॉप्स, तो कितने चेंजेस होते रहते हैं। एक हमारा एक फ्लो चार्ट है जिसके थ्रू मैं आपको बता दूं, सम कॉमन चेंजेस वो होते हैं स्लो एंड फास्ट चेंजेस। कुछ चेंजेस होते हैं पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंजेस। पीरियोडिक से मीन्स कोई जो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जो चेंजेस होते हैं, ओके। और नॉन पीरियोडिक जिसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, कोई इंटरवल फिक्स नहीं होता है, वो हम ब्रीफ में नीचे जाके पढ़ेंगे। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ओके। स्टार्ट विथ वी चेंज ब्रिंग अ चेंज इन अ सब्सटेंस बाई डूइंग वन और मोर फॉलोइंग मेथड, ठीक है। कुछ मेथड्स हैं जो अभी हमने एक फ्लो चार्ट में पढ़े वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्लो चेंजेस क्या होते हैं, दीज आर काइंड ऑफ चेंजेस दैट विल हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्लोली। ऐसे चेंजेस जो टाइम मतलब स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम में चेंजेस होते हैं। फॉर इंस्टेंट अ बॉय बिकम मैन इज एग्जाम्पल ऑफ दिस इज हैपन ओवर द ईयर। जैसे एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप लोग देखिए, पहले आप न्यू बॉर्न बेबी थे, फिर थोड़े बड़े हुए, फिर उससे बड़े हुए, फिर थोड़े बड़े हो गए, फिर सबसे बड़े एकदम यंगस्टर में आप लोग आ गए, एडल्ट से यंगस्टर में आ गए। तो ये चेंजेस आपने अपनी बॉडी में देखे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, विल हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में जो चेंजेस होते हैं बट स्लोली स्लोली होते हैं। फास्ट चेंजेस क्या होते हैं, एज द नेम सजेस्ट दीज चेंजेस अकर सूनर। फॉर इंस्टेंट अ बटर टर्निंग इनटू पुडिंग, इट विल टेक हार्डली अ फ्यू मिनट्स फॉर अ लिक्विड बैटर इनटू पुडिंग। आपने देखा होगा हम जब ये पडिंग या अपने डोनट्स वगैरह बनाते हैं, या इडली, सपोज इडली का आपको एग्जांपल बता दूं, अगर ये पुडिंग समझ में नहीं आ रही है, जो घोल होता है उसको हम अपने मोल्ड्स में डालते हैं, सांचे में, इडली वाले मेकर में डालते हैं, तो वो लिक्विड में होता है। आफ्टर सम टाइम यू विल सी द कि वो मतलब ऊपर वो क्या फॉर्मेंट हो जाती है, फूल जाती है, तो आपने देखा कैसा लिक्विड से वो किस फॉर्म में चेंज हो गया, वो होता है हमारा फास्ट चेंजेस। ज़्यादा टाइम नहीं लगा पर चेंज भी जल्दी से हो गए। एक पीरियोडिक चेंज होता है, पीरियोडिक चेंज में क्या होता है, चेंजेस विच रिपीट देमसेल्फ आर कॉल्ड अ पीरियोडिक चेंज। डे एंड नाइट, फेजेस ऑफ द मून, बीटिंग ऑफ हार्ट, क्लोथ स्ट्राइक अगेन ऑफ हार्ट आर द एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक चेंज। देखिए पीरियोडिक चेंज एक पर्टिकुलर इंटरवल में होता है, जैसे हार्ट बीट है, ठीक है, उसका एक टाइम इंटरवल है बीट करने का, डे और नाइट होते हैं उसका टाइम फिक्स है, ठीक है। मून के फेजेज होते हैं अलग अलग, और आपकी घड़ी में जो आप सुइयाँ देखते हैं वो हमारा टाइम इंटरवल, मतलब इसमें क्या लिखा है कि विच रिपीट देमसेल्फ आर कॉल्ड अ पीरियोडिक चेंज, ठीक है। ये देखिए मौसम बदलते रहते हैं एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम पे, हार्ट बीट हमारी, ठीक है। और नॉन पीरियोडिक चेंज होते हैं चेंजेस विच डू नॉट अगर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम आर कॉल्ड नॉन पीरियोडिक चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल इरप्शन ऑफ वॉल्केनो, अर्थक्वेक्स, फॉरेस्ट फायर, दे आर द नॉन पीरियोडिक चेंजेस ऑफ एग्जाम्पल, ठीक है। अब हमारा देखिए इसका ये है कि
वोल्केनो इरप्शन, ये सब चीजें बता के नहीं आती है ना इसका कोई टाइम होता है, कब भूकंप आ जाए ठीक है, कब अर्थक्वेक आ जाए, अर्थक्वेक सेम थीम वही है, कब वोल्केनो आ जाए ठीक है। तो ये चीजों का हमें कोई फिक्स इंटरवल नहीं होता है ठीक है। अब हमारा रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस, जिसे देखिए सबसे अच्छा एग्जांपल है, आपके एक जूस फॉर्म में ग्लास में लिक्विड है वो हम आइसक्रीम के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं ठीक है। ये होता है चॉकलेट को हम मेल्ट कर सकते हैं, एग बॉयल्ड है उसको हम क्या बोलते हैं कच्चे को सॉरी बॉयल में उसको फ्राई में कर सकते हैं। ये हमारी क्या है लकड़ी है, लकड़ी को हम उसमें कोल में चेंज कर सकते हैं जला के। फिर है हमारा ये नेल्स है, नेल्स में क्या रस्ट हो गई है मतलब जंग लग गई है तो वो चेंज हो गई है उसकी प्रॉपर्टी। ये क्या आपकी, ये आपकी वो है क्या बोलते हैं कैंडल है, कैंडल जो मेल्ट हो जाती है वो नीचे नीचे फिर लिक्विड में चेंज हो जाती है मतलब मोम में फिर से चेंज हो जाती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस, इसको हम पढ़ते हैं डिटेल में। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस, व्हाट आर द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस, स्पीकिंग इन टर्म ऑफ केमिस्ट्री के फॉर्म में हम देखते हैं, अ चेंज कैन बी एक्सप्लेन ऑन द फिजिकल ग्राउंड चेंजेस आर वेरी रैंडम ऑन अर्थ अनसर्टेन फिनोमिना ठीक है। जो ऐसे चेंजेस जो रैंडम होते हैं ऑन अनसर्टेन फिनोमिना, चेंजेस कैन बी फॉर द गुड वर्स डिपेंडिंग ऑन द व्यूज। As we mentioned, our melting of ice, cooking of food are the changes that happen around us. In some cases, we find that the original substance can be recovered back. ठीक है, ये देखिए एग्जाम्पल है आइसक्रीम है वो मेल्ट हो जाती है, तो अगर गर्म आप गर्मी में रख दें या हीट कर दें उस आइसक्रीम को या थोड़े समय के लिए उसे बाहर छोड़ दें तो लिक्विड में वापस उसी फॉर्म में चेंज हो जाती है। ये जनरली आप सब लोगों ने देखा ही होगा और करा ही होगा। व्हाइल इन सम अदर चेंजेस यू कैन नेवर गो बैक टू ऑब्टेनिंग द ओरिजिनल सब्सटेंस, मतलब जो आपकी इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज में चले गए अगर आप फिर फाइनल से इनिशियल स्टेज में नहीं जा पाएंगे। रिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं, the changes that can be reversed or the temporary conversion of reversible change, the reaction that are reversible or reversible reaction, in such kind of reaction where substance is modified into another but a new compound is not formed। जैसे कि देखिए water है, how it changes state, उसकी कैसे उसकी state बदलती है, melt किया उसको हमने ठीक है वो इवेपोरेट हो जाती है। ये आइस है हमारी, आइस को इसमें क्या किया है, आइस को हम वाटर में चेंज कर सकते हैं और वाटर को स्टीम में चेंज कर सकते हैं ठीक है। उसको क्या कंडेंसेशन के बाद क्या होता है उसको फ्रीज कर सकते हैं तो फिर वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगी ठीक है। तो वाटर के कितने सारे रूप हैं आप देख सकते हैं, मेल्ट कर लिया, मेल्ट में फिर पानी में चेंज कर दिया, पानी से फिर हम आइस बना देते हैं और उसी पानी को हम स्टीम में भी कन्वर्ट कर देते हैं, भाप बोलते हैं जिसे हम ठीक है। प्रोसेस सच अ फिजिकल चेंजेस चेंजिंग स्टेट, फिजिकल चेंजेस मतलब कि जो ऐसी चीज ऐसी प्रॉपर्टी है जो हम इजीली फिजिकली कर सकते हैं कोई चीज, चेंजेस ऑफ सॉलिड टू लिक्विड बाय हीटिंग। देखिए आइस है उसको मेल्ट किया वो वाटर लिक्विड में चेंज हो गई हीट करने पर ठीक है, तो ये मेल्ट हो गई मेन मतलब पिघल दिया। प्रोसेस सच एज फिजिकल चेंजेस चेंजिंग स्टेट, ये भी प्रोसेस है, इसमें क्या है कि वाटर है लिक्विड है इसको फ्रीज कर दिया फिर अगेन इसको आइस में हमने कन्वर्ट कर दिया तो लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो गई कूल करने पर ओके। नेक्स्ट वी हैव अ प्रोसेस सच एज फिजिकल चेंज चेंजिंग स्टेट इवेपोरेशन, ये तीनों आपको इवेपोरेशन फ्रीजिंग मेल्टिंग कंडेंसेशन ये आपको याद करने विद डेफिनेशन, और इसके एग्जाम्पल में आप वाटर के एग्जाम्पल दे सकते हो। वाटर है इसको क्या किया इस वाटर के पेपर में चेंज कर दिया हीट किया, आपने देखा होगा मम्मा मैंने तपेली रखती है गैस पे तो वो क्या करती है धीरे धीरे जैसी तपेली गर्म होती है तो उसके अगर उस पर अगर हम प्लेट ढक दें तो उसमें वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है गैस में कन्वर्ट हो जाती है। फिर कंडेंसेशन में क्या है चेंज ऑफ गैस इंटू लिक्विड, अब यही जो गैस थी वो लिक्विड में भी चेंज हो जाती है, उस तपेली को आप गैस से हटा के चूल्हे बर्नर से हटा के साइड में रख दो तो उसके वेपर्स फिर वानी लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। फिजिकल चेंजेस चेंजेस ऑफ शेप देखते हैं इसमें क्या है, मैटर कैन चेंज शेप, कटिंग टियरिंग क्रम्पलिंग ग्राइंडिंग ब्लेंडिंग, व्हेन यू मिक्स और डिसॉल्व वन थिंग इनटू अनदर इट्स अ फिजिकल चेंज, ये हमारे फिजिकल चेंजेस के एग्जांपल है। फिजिकल चेंज मीन्स स्टूडेंट चेंजेस ऑफ शेप ठीक है, जैसे कि कटिंग आपने एक पेपर को काटा उसमें आपने कितनी सारी शेप में चेंज कर लिए देखिए, ये डिजाइन आप लोग जनरली बनाते ही हैं घर में। क्रम्पलिंग मतलब कि आपने आटे को आटे के फॉर्म में था उसको फिर सॉलिड फॉर्म में कैसे उसको लचीला और फ्लेक्सिबल बना दिया डो को। और ग्राइंडिंग में क्या करा आपने, ग्राइंडिंग में आप किसी चीज को घिस देते हैं या मिक्सचर वाला ग्राइंडिंग बोलिए। और ब्लेंडिंग मतलब ये हो गया बेंडिंग, जैसे किसी आप रबड़ की वायर है या कोई तार है कोई फ्लेक्सिबल वायर है उसको हम मोड़ के उसकी शेप चेंज कर सकते हैं, वो हमारे फिजिकल चेंज होते हैं।
Irreversible changes, chemical change, as compared to reversible changes, irreversible change are permanent change. जो permanent change, reversible में तो क्या थे, आप उसको shape को change कर सकते हैं accordingly your convenience, ठीक है? और irreversible changes में होते हैं कि ये changes permanent होते हैं. Reactants react to form an entirely new compound and cannot be reversed. Like heating, burning, mixing, powdering are few process which cause irreversible. देखिए जैसे कि मैंने केक बनाया, केक मैंने सारा प्रोसेस किया, एक एक स्टेप किया, अब मेरा केक तैयार हो गया 2 घंटे बाद. अगर मैं उसी केक मटेरियल को सोचूं कि फिर से पाउडर फॉर्म में, क्रीम फॉर्म में चेंज कर लूं, वो नहीं हो सकता. एंड इरिवर्सिबल चेंजेस इज अ परमानेंट चेंज दैट कैन नॉट बी अनडन, ठीक है? और मेटल रस्टिंग है, जैसे कि लोहे पर जंग लग गई है, अब मैं सोचूं कि जंग को हटा के मैं वापस कर सकूं, वो नहीं पॉसिबल है. बेकिंग अ केक, ये मैंने एग्जांपल ले लिया. फ्राइंग अ एग, अब अच्छे एग से मैंने फ्राई ऑमलेट बना लिया, अब मैं उसी ऑमलेट से सोचूं एग कन्वर्ट कर सकूं दोबारा से रॉ एग को, वो पॉसिबल नहीं है. पेपर को मैंने बर्न कर दिया, ऐश और स्मोक में कन्वर्ट हो गया, तो मैं, आप सोचोगे ऐश और स्मोक जो उसका जो निकला है वो उसको मैं पेपर में वापस कन्वर्ट कर दूं, तो इट कांट बी पॉसिबल. अब ये हमारा क्या है, थैंक यू, ओके थैंक्स. लास्ट एग्जांपल ये है मिक्सिंग. मिक्सिंग में हमने ये चेंज कर दिया, कोई सीमेंट है, कोई पाउडर है, कोई रेत को मिला दिया किसी वो कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, तो वो वापस चेंज नहीं हो सकता. तो स्टूडेंट्स, वी हैव डन दिस चैप्टर, ओके. आप एक बार एनसीईआरटी में से भी रीड कर लीजिएगा, और वैसे दिस वाज इनफ फॉर टू, मतलब आपको चैप्टर को पूरा प्रिपेयर करने के लिए, और एनसीईआरटी की प्लीज एक्सरसाइज प्रिपेयर कर लीजिएगा. और इसके बाद मैं आपको एक पीडीएफ सेंड करूंगी, तो वो बहुत सफिशिएंट होगी नोट्स के लिए आपके लिए. थैंक यू सो मच.